किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था। बैठिए आपा, आपके पैगाम ने तो हमें परेशान कर दिया था। बात ही ऐसी है जो खत में नहीं लिखी जा सकती थी। कहिए। औरंगजेब, हमारे आला हजरत इस दुनिया से जा चुके हैं। या अल्लाह, तेरी खैर। भाई दारा इस खबर को छुपाए हुए हैं, जबकि दिल्ली में सबको मालूम हो चुका है। लेकिन यहाँ तो कोई इत्तला नहीं आई। दिल्ली के सब दरवाजों पर पहरा है। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के 30,000 राजपूत हर रास्ते में निगरानी कर रहे हैं। मैं जियारतों के बहाने यहाँ निकल कर आई हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊं। खुदा आला हजरत को जन्नत में जगह दे। आमीन। पता नहीं दारा भाई ने आला हजरत की मैयत के साथ क्या सलूक किया होगा। दारा भाई पागल हो चुके हैं। एक गुलाम को जिसकी सूरत आला हजरत से मिलती है, दर्शन के लिए झरोके में बिठा दिया। और जब मैं वहां से आ रही थी तो खबर मिली कि आला हजरत को आबो हवा बदलने के लिए आगरा ले जाया जा रहा है। आला हजरत को या उनकी लाश को? लगता है दारा भाई अपनी तख्त नशीनी का ऐलान आगरा से ही करेंगे। ये इत्तला भाई सुजा और मुराद को पहुंचाना बहुत जरूरी है। पहले सोच लो कि इत्तला मिलने पर कौन किसका साथ देगा। मैं जानता हूं कि औरंगजेब की नफरत बिला वजह नहीं है, मगर फिर भी। मामू, आप उस आदमी की सिफारिश करना चाहते हैं जिसने औरंगजेब की जिंदगी में 16 बरस तक कांटे बोए हैं, जो हमेशा काले साए की तरह उसे घेरे रहा है। क्या आपको नहीं मालूम कि वो आला हजरत के कान किस तरह भरता है? अपने फायदे के लिए उसने बाप को बेटे का दुश्मन बना दिया है। हर मौके पर उसने औरंगजेब को जलील किया है। जब छोटे भाई मुल्तान में थे तो दारा ने वहां से निकलवा दिया। जब वो दक्खन में गए तो उन पर चोरी के इल्जाम लगवाए। उनके बच्चों तक को अपने दादा से नहीं मिलने दिया। ऐसे जालिम के लिए आपके दिल में रहम आता है? वो सब सच है, फिर भी वो तुम्हारा भाई है। वो बेदीन मेरा भाई नहीं हो सकता। दारा शिकोह की मौत पर दिल्ली में फसाद हो सकता है। वैसा ही फसाद जैसा कल हुआ था। भिखारियों और फकीरों का शहजादा। मैं सोचता हूं एक बार तुम औरंगजेब से कहती तो। मैं जरूर कहूंगी। मैं कहूंगी कि दारा शिकोह को जिंदा रखना गले में सांप रखने से भी ज्यादा खतरनाक है। उसका सर फौरन कुचल देना चाहिए।